मैं सुबनाज और मेरे साथ रबजुलाई देख रहे हैं आप। दिल्ली में कल यानी 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक आयोजित होने जा रही है। दावा किया जा रहा है कि बैठक में गठबंधन के सभी 28 दलों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। आरजेडी से लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। जी हाँ, वो दिल्ली में है। बैठक में जेडीयू से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होने वाले हैं। इधर बीजेपी और ये बता दें कि उधर बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दल बैठक को लेकर हमलावर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बैठक को लेकर कहा कि पहले विपक्ष अलग अलग बिखरा हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास से सब पार्टियां एकजुट हुई और पटना में पहली बैठक हुई। ये बात हम लोगों को भी याद होगी कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने सभी को इकट्ठा किया, जाकर उनसे मुलाकात की और नहीं पहुंच पाए तो कॉल से बात की, लेकिन सभी को पटना में जुटाया, पहली बैठक करवाई। अगर सब मिलकर लड़े तो बीजेपी का जीतना मुमकिन नहीं है। जी हाँ, ये बातें कह रहे हैं। चौथी बैठक कल दिल्ली में होगी। सीएम नीतीश कह चुके हैं कि अगर एक साथ लड़े तो मुद्दा फिर राज्यवर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सीट के बंटवारे की बात आएगी, सभी दल चाहते हैं कि समय रहते राज्यवार सीटों का बंटवारा हो जाए। बिहार के लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि कल की बैठक में इस पर ठोस बातचीत हो जाए। हमारा एजेंडा पहले से ही साफ है, जेडीयू वर्तमान केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ है। इतिहास बदलने की साजिश हो रही है। जो भी भारत का नागरिक होगा वो इतिहास से छेड़छाड़ पसंद नहीं करेगा। ऐसे लोगों की पसंद इंडिया गठबंधन है। वही राम मंदिर के उद्घाटन पर भी विजय चौधरी ने अपना बयान दिया। जी हाँ, राम मंदिर के उद्घाटन पर विजय चौधरी ने उस दौरान कहा कि राम मंदिर बन जाएगा, पर इसका कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राम का नाम लेकर तराजू पर रख के तोलने वाली बात थोड़ी है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जो सवाल उठाते हैं कि भगवान की मर्यादा से खेलना चाहते हैं। तीन राज्यों में कांग्रेस की हार पर मंत्री ने कहा कि सभी प्रदेशों में गठबंधन के घटक दल आपसी सहमति से चुनाव लड़ते ही तो परिणाम कुछ और होता। विजय चौधरी ने कहा कि देश के हर कोने से जाति आधारित गणना की मांग हो रही है। महाराष्ट्र की सरकार के उप मुख्यमंत्री भी मांग कर रहे हैं, चुनावी मुद्दा ये नहीं बनेगा, ये आम लोगों का मुद्दा बन चुका है। वहीं संसद में विपक्ष के सांसद को सस्पेंड करने पर उन्होंने कहा कि संसद में जो भी चूक हुई उसे सब मान रहे हैं, चूक कोई छोटी चूक नहीं है, ये भयानक चूक है। विपक्षी दल इस मुद्दे को गंभीरता से लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। जहां उन्होंने कहा कि विपक्षी दल इस मुद्दे को गंभीरता से लेने के लिए दबाव बना रहे तो कोई गलत नहीं कर रहे। खैर, ये रिपोर्ट यहीं तक। फिर से रिपोर्ट के साथ होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।